सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 7 गिलहरी। गिलहरी जो कि बहुत ही फुर्तीली होती है, उसको अखरोट खाना बहुत पसंद होता है और हम जो रजत था वो गिलहरी को पकड़ना चाहता था, परंतु गिलहरी उसके हाथ में नहीं आई। तो बच्चों इस तरीके से हमने उस पाठ को पढ़ा था। आशा है आपने इस पाठ को पढ़ा होगा और शब्दार्थ भी याद किए होंगी। बच्चों अगर आप पाठ पढ़ेंगे तभी आपको इनके प्रश्न उत्तर बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ आएंगे। चलो अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो पहला हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा, पहला है कि दोनों भाई बहनों के क्या नाम थे। तो बच्चों दोनों भाई बहनों के क्या नाम थे, रजत और नेहा। दोनों भाई बहनों के क्या नाम थे, हम लिखेंगे उत्तर नंबर एक, उत्तर नंबर एक दोनों भाई बहनों के, दोनों भाई बहन के नाम, भाई बहन के नाम रजत और दोनों भाई बहनों के नाम रजत और दोनों भाई बहनों के नाम रजत और नेहा थे। रजत और नेहा थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि नंबर दो, रजत और नेहा कहाँ खेल रहे थे। तो उत्तर नंबर दो, रजत और नेहा कहाँ खेल रहे थे। रजत और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे बच्चों, रजत और नेहा बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आगे, रजत ने क्या देखा। रजत ने एक गिलहरी देखी। उत्तर नंबर तीन, रजत ने क्या देखा था, एक गिलहरी। हम लिखेंगे रजत ने एक गिलहरी देखी। उत्तर नंबर चार, गिलहरी कहाँ रहती है। तो गिलहरी पेड़ों पर रहती है। गिलहरियां पेड़ों पर रहती है। हम यहाँ गिलहरियां लिख देंगे, गिलहरियां पेड़ों पर रहती है। गिलहरियां पेड़ों पर रहती है। कहाँ रहती है बच्चों, पेड़ों पर रहती है। गिलहरियां पेड़ों पर रहती है। रजत ने गिलहरी को खाने के लिए क्या दिया। तो रजत ने गिलहरी को खाने के लिए क्या दिया था, अखरोट। उत्तर नंबर पांच, रजत ने गिलहरी को खाने के लिए अखरोट दिया। रजत ने क्या दिया था खाने के लिए, अखरोट। अखरोट दिया। अखरोट अखरोट दिया
अब इस तरीके से जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, केवल हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्या रजत घर से एक मूंगफली लाया था? नहीं। क्या लाया था बच्चों? वो अखरोट लाया था। तुम यहाँ के लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं। क्या गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है? हम क्या लिखेंगे? हाँ, जो गिलहरी होती है वो बहुत ही फुर्तीली होती है। गिलहरी क्या होती है? बहुत ही फुर्तीली होती है। हाँ, अब आगे है, क्या गिलहरी के शरीर पर बहुत मुलायम बाल होते हैं? हाँ हाँ, गिलहरी के शरीर पर बहुत मुलायम बाल होते हैं। हाँ, गिलहरी के शरीर पर बहुत मुलायम बाल होते हैं। अब आगे है, क्या रजत ने एक मोटा पत्थर उठा लिया था? हाँ, क्योंकि वो गिलहरी को मारना चाहता था। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। अब आगे है, क्या गिलहरी पेड़ से उतरकर रजत को काट लिया था? तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं, नहीं, उसने रजत को नहीं काटा था। नहीं, नहीं। अब आगे चलते हैं, किसने कहा और किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा? तो देखिए, आओ इसे पकड़े, मैं तो इसे घर ले जाऊंगा। आओ इसे पकड़े, मैं तो इसे घर ले जाऊंगा। तो ये सब किसने कहे थे? आओ इसे पकड़े, मैं इसे घर ले जाऊंगा, ये सबक कहे थे। रजत ने किसे कहे थे? अपनी बहन को कहे थे। बहन का नाम क्या था? नेहा को। रजत ने नेहा से रजत ने नेहा से। अब आगे है, गिलहरी किसी को नहीं काटती। किसने कहा? नेहा ने रजत से। नेहा ने किससे कहा? रजत से। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि व्याकरण एवं भाषा बोध। तो बच्चों, व्याकरण आपको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जब हम व्याकरण करेंगे तब आपको इस पहले से ही समझ आ जाएगा कि इसका मतलब यह होता है। तो देखिए, रुका मैंने आ और एक की मात्रा, रुका के। वैसे खेल का क्या होगा? खेल खेला खेले। देखिए, चल चला चले। आगे रह रहा रहे। और ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों आपके होमवर्क में आ जाएंगे बच्चों। जैसे चढ़ा चढ़े, हंस हंसा हंसे। अब हम आगे चलते हैं कि नीचे पाठ में आए कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम दिए गए हैं। क्या कुछ व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के नाम दिए गए हैं? तो इन्हें शीर्षक के नीचे लिखिए। तो शीर्षक जैसे हमारा व्यक्ति है, तो व्यक्ति के नीचे जो व्यक्ति के नेम होते हैं, तो नेम देखिए पहला कौन सा है? रजत और नेहा। ये क्या है? एक नाम है। तो हम व्यक्ति के नेम में क्या लिखेंगे? रजत और नेहा। अब आगे देखिए, वस्तु क्या है? वस्तु है मूंगफली और अखरोट। वस्तु क्या है? मूंगफली और अखरोट। अब आगे देखिए, अब स्थान। तो स्थान क्या है? स्थान है बगीचा और घर। स्थान क्या है? बगीचा और घर। तो इस तरीके से हमारे ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान आ जाते हैं। अब है, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, इन शब्दों को आपको तीन तीन बार लिखना है। प्रिय प्रिय प्रिय, सुंदर सुंदर सुंदर, गिलहरी गिलहरी गिलहरी, इस तरीके से आपको तीन बार लिखना है। प्रिय बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना है। प्रिय प्रिय, और ये सब आपका, ये जो दो है, ये दोनों आपके होमवर्क में आ जाएंगे। इनको आप अपने होमवर्क में कीजिएगा।
बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ पूरा हुआ है, आप ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस आपको ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत ही सफाई से लिखना है और इनको साथ में याद करना है। हम नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।